गुजरात के विभिन्न शहरों में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तब गुजरात के दाहोद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर भी स्मार्ट मीटर का विरोध देखने मिल रहा है। उसी के तहत दाहोद में कांग्रेस के अग्रणियों की ओर से स्मार्ट मीटर का विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल दाहोद नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के काउंसिलर तस्नीम नलावाला, साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रभाबेन ताभियार और पंकज भाई शाह ने मिलकर कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए स्मार्ट मीटर हटवाने और पुराने मीटर ही लगवाए रखने की मांग साझा की है। समिति द्वारा आज कलेक्टर ऑफिस में आवेदन आपवामां आव्युं छे स्मार्ट मीटर बाबते, कि जे स्मार्ट मीटर बरोडानी अंदर लाग्या अने एना बहु बधा विरोधो थया, ए माटे अमे આજે આવેદન આપ્યું છે કે દાહોદ શહેરમાં પણ એ સ્માર્ટ મીટર મુકાય નહીં, અને એ જો મુકાશે તો એનો જબરજસ્ત વિરોધ દાહોદ શહેર કોંગ્રેસ તરફથી કરવામાં આવશે। કારણ કે સ્માર્ટ મીટરની અંદર એક અઠવાડિયાની અંદર 10 દિવસની અંદર 2-2 હજાર, 4-4 હજાર રૂપિયા રિચાર્જ કરાવવાનું આવે છે, તો એ આજના દિવસમાં જે આપણે ગરીબ જનતા છે એને સ્માર્ટ મીટર પોસાય નહીં એવું છે। એટલે દાહોદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ એનો સખત વિરોધ કરે છે અને એનો વિરોધ કરીશું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।